आप दिमाग को जितना मांगोगे उतना ही दिमाग देगा। आपकी जिद कितनी है, आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, जुनून, जोश, उत्साह कितना है। यदि आपका निश्चय दृढ़ है कि नहीं मुझे करना ही है नो मैटर व्हाट, तो डेफिनेटली आप कर सकेंगे। मगर आपको यदि करना नहीं है तो फिर आपके बीच में बहुत बड़ी रुकावटें आएंगी और वो रुकावटें को देख के आप वो काम नहीं करेंगे। आप बोलते रुकावट आ गई इसलिए मैं गया नहीं, ये ऐसा हो गया गया नहीं, ये रीजन आ गया इसलिए गया नहीं, एक्चुअली आपको करना ही नहीं था। देखो आपका एक लेडी है, उसका हस्बैंड बीमार है, उसने साईं बाबा से मन्नत मांगी कि भाई ये मेरा पति बीमार है और वो ठीक हो जाता है तो मैं साईं बाबा के वहाँ माथा टिकाने उसको लेकर आऊँगी, एक साल के अंदर लेके आऊँगी। अब रहते हैं पंजाब में, आना है महाराष्ट्र में शिरडी, और एक साल होते आ रहा है, अभी 3 दिन बाकी है और 3 दिन में ही हमको शिरडी जाने का है। ट्रेन जैसी चाहिए वैसी नहीं है, बड़े मुश्किल से एक ट्रेन का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं मगर ट्रेन छूट जाती है, अब क्या करेंगे, जाना तो है ही। फिर वो देखते हैं कि ठीक है अभी हम जाएंगे बस से जाएंगे और बस पकड़ेंगे, मगर बस में बैठते हैं तो टायर पंक्चर हो जाता है, फिर क्या करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं अभी टैक्सी करके जाएंगे। फिर टैक्सी करके जाते हैं तो टैक्सी पकड़ते हैं तो टैक्सियों का हड़ताल हो जाता है, टैक्सी पकड़ने को मिलती नहीं है। टैक्सी वाले बोलते हैं कि हम इतनी दूर तक जाएंगे भी नहीं, हमारी हड़ताल है, पॉसिबल ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इसको लिफ्ट मांगेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ भी करके वहाँ 3 दिन के अंदर पहुँचेंगे और साईं बाबा के पैर छुएंगे। क्यों? क्योंकि वो मन में है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, करना ही है, नहीं तो साईं बाबा नाराज़ हो जाएंगे, फिर बीमारी आ जाएंगी, फिर कुछ ना कुछ हो जाएंगे, वो डर के मारे बोलो जो भी है, मगर दृढ़ निश्चय है तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। क्या आप वैसे ही करते हैं हर समय हर बात पर कि नहीं नो मैटर व्हाट वो करना ही है, कुछ भी चलेगा नहीं वो तो करना ही है, ऐसा यदि आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखो आपके दिमाग को आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं कैसा करूं, मैं क्या करूं, किस रास्ते से मैं ये पूरा करूं, क्या मैं करूंगा तो ये मुझे मिलेगा या मैं ये हासिल कर पाऊंगा। ये सब सवाल आपको पूछने पड़ेंगे आपके दिमाग को। आपके दिमाग को आप सवाल पूछेंगे कि मुझे 1 लाख रुपये महीना कमाने का है तो आपका दिमाग आंसर देगा ठीक है आपको 1 लाख रुपये कैसे कमाना, वो आपका आंसर मिलेगा आपको दिमाग से। आपके दिमाग को आपने पूछा कि मुझे 10,000 रुपये महीना कमाने का है तो आपका दिमाग 10,000 रुपये महीना कैसा मिलाना वो सिखाएगा या वो बताएगा। तो आप जितना मांगोगे आपके दिमाग को, और सिर्फ दिमाग नहीं आपके नेचर को, आपके ये यूनिवर्स को, आप जितना मांगेंगे उतना वो देने वाला है। यूनिवर्स बोलो, आपका दिमाग बोलो, जो भी, आपका डिटर्मिनेशन कितना है, आप कितना चाहते हो, क्या आप मन से चाहते हो, 1001% चाहते हो, और यदि आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मिलेगा। यदि आप कहीं भी रीज़न दे रहे हैं, यदि आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, पूछो अपने आप से क्या सही में मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या मैं इसके बिना चला के ले रहा हूँ और चल सकता है, वो धक्का रहा हूँ मैं चला रहा हूँ इसके बिना, मुझे मालूम है इसके बिना चल सकता है और इसके बिना चल सकता है और मुझे धक्काने का ही है, मुझे इतना डेडिकेशन है नहीं, डिटर्मिनेशन है नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिल रही है, ये आपको समझ में आएगा। और यदि आपको मालूम है कि नहीं इसके बिना चलता ही नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे और वहाँ से रास्ता निकालेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हर देखो आप कि आप हर बार हर जगह पे ये आपको संभव है क्या, हर काम ये संभव है क्या, हर काम में जब जब आपको सफलता मिलती नहीं अपने आप से पूछो क्या ये मुझे सचमुच चाहिए, कि मैं यहाँ कुछ कारण बना रहा हूँ बीच में, या मैं कुछ कारण बता रहा हूँ कि ये संभव ऐसा नहीं है, ये आपको देखना होगा। और ये सवाल यदि आप आपके दिमाग को पूछेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही बनावटी बना कर रहा था, मुझे तो एक्चुअली होना ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको, और यदि आपको चाहिए तो आपका दिमाग बराबर रास्ता ढूंढ के निकाल देगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।